हेलो अनुकृति, कैसे हो? बढ़िया। और हम कहाँ है पता है? हाँ, मुझे भी पता है। कहाँ? PFA के न्यू शेल्टर होम में। और वैसे क्यों है हम यहाँ? क्योंकि हम यहाँ देखने आए कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। और यहाँ हमारे कुछ दोस्तों को किन किन चीजों की जरूरत है, पहले उन दोस्तों से मिलते हैं। हाँ चलो, पहले उनसे मिलते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए चलिए। तो अनुकृति, तुमने देख ही लिया, अब हमें हेल्प किसके लिए चाहिए? हमारे बच्चों के लिए। और हमें इनके लिए फेंसिंग चाहिए, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर ये नॉर्मल डॉग्स होते ना, तो ये लोगों की सुरक्षा कर पाते, लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते। ये तो सच है, पर आपने देखा कि इनकी सिचुएशन कैसी है। हमें ही इनको मतलब सुरक्षित रखना है। ये हमारी प्रोटेक्शन तो छोड़ो, ये अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाते। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने न्यू शेल्टर में फेंसिंग चाहिए। सही बात है। तो फेंसिंग के साथ साथ हमें कैमरे की भी ज़रूरत है। कैमरे की भी ज़रूरत है। और बेसिकली जब हमने ये शेल्टर बनाया तो हमारे फंड एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम इनके लिए फेंसिंग या कैमरा लगा सकें। तो बेसिकली हमें आपसे ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पे फेंसिंग लगा पाएँ और कैमरे लगा पाएँ। फेंसिंग इसलिए ताकि हम फेंस मतलब कैमरा, सबसे पहले तो कैमरा, क्योंकि कैमरा से हम मतलब मॉनिटर कर पाएंगे कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, और मतलब कोई आ तो नहीं रहा। क्योंकि जब हमारा मेडिकल होम बन रहा था, आई गेस, तो उस वक्त बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं। असामाजिक तत्व कहते हैं ना, तो वो बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं उस वक्त। और इसलिए हमें कैमरा, अगर उस वक्त कैमरा लग चुका होता, हमारे पास उतने मनी रहता, तो हम शायद ये फेस नहीं करना पड़ता। तो कैमरा इसलिए, और फेंसिंग इसलिए ताकि हम जो अपने डॉग्स हैं, जो हम लोग रेस्क्यू करके लाते हैं, उन्हें हम ओपन छोड़ पाए। जो इतनी बड़ा मतलब हमारा एरिया आप देखे होंगे, उसमें हम उन्हें खेलने दे पाए। और मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जितना उन्हें फ्री छोड़ेंगे, वो उतना खेल कूद के ठीक होंगे। और एक और रीज़न है क्योंकि यहाँ बाहर बहुत सारे डॉग्स हैं। हाँ, तो मतलब बाहर के जो डॉग्स हैं, यहाँ के इनको हार्म ना करें। तो इसके लिए हमें फेंसिंग और कैमरा बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से, हम दोनों, हमारा पूरा PFA आप सभी से रिक्वेस्ट करता है, जो भी अमाउंट बने, 50, 100, यार अनुकृति 100 तो हम ऐसे ही खा पे के उड़ा देते हैं। दिन का हमारा खर्च होता है, तो एक दिन वो 100 रुपए खर्च ना करे और हमें इनके प्रोटेक्शन के लिए लगाए, प्लीज यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर आप हमारी हेल्प करेंगे, तभी तो मतलब हम और अच्छा काम, और बड़ा काम कर पाएंगे। और ऐसे प्यारे प्यारे देखो चिंटू से मिलो, चिंटू हमारे, चिंटू है हमारे, ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की मदद कर पाएंगे। तो आप, अमन इसका पापा है। हाँ, मैं इसका पापा हूँ। तो सारी डिटेल्स, जैसे आपको डोनेशन करना, उसकी सारी डिटेल्स हम नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, अगली स्टोरी में, सब में दे देंगे। आपसे जो बन पड़े वो कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी, सबसे शेयर करो यार, सबसे शेयर मांगो। मतलब जो 10-20 रुपए होता है, एक तो दिन कोई भी सिर्फ कर सकता है। एक दिन का काम है, 100 रुपए 50 रुपए 50, आपसे जो भी बने, तो प्लीज आपसे जो भी बने वो करे, प्लीज। ये भी बोल रहा है, ये भी, हाँ, सही, चिंटू के लिए, अमन के लिए नहीं, चिंटू के लिए कर दो। तो बस यही कहना था हमें, थैंक यू।